निरंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द टॉपिक डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो नू समझन दे लई तानू बैलेंस शीट दा एक पूरा फॉर्मेट की बजाय तुसी छोटे फॉर्मेट से तानू समझाऊंगा, वो फॉर्मेट देखियो। डेट इक्विटी रेशो इंपॉर्टेंट रेशो है, थर्ड रेशो है तुहाडी बुक दी अकाउंटिंग रेशो दी। तानू बैलेंस शीट दा फॉर्मेट पता ही है, इत्थे पर्टिकुलर्स अमाउंट होंदा, पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट। मैं नोट नंबर नहीं पा रहा क्योंकि इन तुम्हें कोई फॉर्मेट के नाल कोई लेना देना नहीं है, जस्ट मैं तुम्हें फॉर्मूला लर्न करा रहा। सब तो पहली चीज की होंगी है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दे विच की आंदा, इक्विटी लाइबिलिटीज आंदा सब तो पहला आंदा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड दे विच दो चीजा आंदियां ने, शेयर कैपिटल ते रिजर्व सरप्लस। शेयर होल्डर फंड दे विच दो चीजा आंदियां, शेयर कैपिटल ते रिजर्व सरप्लस। फिर दूसरे नंबर ते की आंदा, इत्थे रिजर्व सरप्लस आ गया। फिर उस तो बाद अपने को सेकंड पॉइंट होंदा नॉन करंट लाइबिलिटीज दा, NCL लिख दिता। नॉन करंट लाइबिलिटीज दे विच की आंदा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अगली है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। आ चार चीजा आंदी है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। फिर की आंदा साडे कोल करंट लाइबिलिटीज, तीजे नंबर ते करंट लाइबिलिटीज आंदा। ये तुहानू बैलेंस शीट का मैं पूरा हूँ, करंट लाइबिलिटी के भी अगे पार्ट्स होंगे पर मैं उन्होंने पार्ट्स नहीं बना रहा क्योंकि लोड नहीं है डेट इक्विटी रेशो च करंट लाइबिलिटी के पार्ट्स नू याद करन दे लई। फिर तुहाडे कोल एसेट्स दे विच की आंदा, इत्थे सैकंड रोमन लैटर मैं एसेट्स का लिखता, टोटल ऑफ लाइबिलिटीज होंदा है। सेकंड रोमन लेटर में एसेट्स लिखता, एसेट्स किन्ने तरह के हैं, नॉन करंट एसेट्स ते दूजे नंबर ते की है करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स ते करंट एसेट्स साडे एसेट्स ने। हुण तुसीं इह चीज़ याद रखना, डेट की हुंदा जिहड़ी नॉन करंट लाइबिलिटी है उहनूं डेट कहिंदे, मीनस डेट का फॉर्मूला आ हो गया, आ चीज डेट हुंदी है। डेट इक्विटी रेशो च आ चीज डेट हुंदी है, ते शेयर होल्डर फंड की हुंदी है साडी इक्विटी। डेट इक्विटी रेशो च नॉन करंट लाइबिलिटी डेट हुंदी है, पर साडा टोटल डेट की हुंदा, आह ते आह नूं असीं की कहिंदे आ टोटल डेट। दूजी प्लस तीजी चीज नूं असीं टोटल डेट कहिंदे, आ चीज हो गई टोटल डेट। ये चीज याद रखना, ये तां टोटल डेट हुंदी है, पर जिहड़ी डेट इक्विटी रेशो च डेट लिखनी है वो साडी की हुंदी नॉन करंट लाइबिलिटी। टोटल डेट का फॉर्मूला की है, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। पर कल्ला डेट की हुंदा नॉन करंट लाइबिलिटी। पहली ते दूजी चीज नूं पता की कहिंदे आ असीं, कैपिटल इंप्लॉयड। याद रखना, पहली दूजी चीज नूं असीं कहिंदे आ कैपिटल इंप्लॉयड, ये साडी कैपिटल इंप्लॉयड हो जांदी है। पहली ते दूजी चीज नूं असीं कैपिटल इंप्लॉयड कहिंदे आ। सो याद रखियो, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी इज वॉट कैपिटल इंप्लॉयड, एंड फिर उस तो बाद चो दी नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी इज टोटल डेट। पर डेट इक्विटी रेशो च जिहड़ा डेट हुंदा नॉन करंट लाइबिलिटी हुंदा, ते टोटल एसेट्स की हुंदे साडे कोल नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। हुण मैं तुहाडे लई क्वेश्चन करन वाला, ध्यान नाल देखियो, तुहाडे लई क्वेश्चन करूंगा, एंड वो क्वेश्चन होगा साडा डेट इक्विटी रेशो दे विचो दी। क्वेश्चन नंबर 37 पहला कर देने, वन ऑफ द इजी क्वेश्चन। 36 भी कर देने, अपनी 2020 TS गरेवाल वाली बुक चो 36 क्वेश्चन देखियो। 2020 TS गरेवाल वाली बुक क्वेश्चन 36, एंड उन्दे तुहानू दित्ता की होया क्वेश्चन दे विच। क्वेश्चन सब तो पहला इक्विटी शेयर कैपिटल डेट इक्विटी रेशो कढ़नी है। डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला की हुंदा, डेट अपॉन इक्विटी। डेट इक्विटी रेशो कढ़नी है, इहदा फॉर्मूला डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। एंड क्वेश्चन च देखो दिता की होया, तुहानू क्वेश्चन च दिता होया सब तो पहला 36 क्वेश्चन दे विच शेयर कैपिटल 5 लाख दे। मैं इत्थे की लिखता, शेयर कैपिटल 5 लाख, इत्थे देखो 5 लाख शेयर कैपिटल दा लिखता। उस तो बाद चो दी तुहानू दिता होया क्वेश्चन च जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व सरप्लस च आणगे, तुहानू सोचना पएगा रिजर्व सरप्लस च ही आणगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व किन्ने दित्ते क्वेश्चन च, 90,000 दे। उस तो बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किन्ना दिता है बच्चों, 50,000 दा, वो भी रिजर्व सरप्लस की है, सरप्लस प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किन्ना दिता है, 50,000 दा,
ਇਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਰਪਲਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਕੁਇਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਫੰਡ। ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਫੰਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 5 ਲੱਖ ਪਲੱਸ 1,40,000, ਮੀਨਸ 6,40,000 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 6,40,000 ਆ ਗਿਆ ਇਕੁਇਟੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ 5 ਲੱਖ ਪਲੱਸ 1,40,000 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 6,40,000। ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਫੰਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਇਟੀ। ਮੈਂ ਤੇ 6,40,000 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, 6,40,000 ਦੇ ਡੈਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੋ, ਡੈਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ, 10% ਡਿਬੈਂਚਰਸ 1-30 ਦੇ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੋਰੋਇੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, 1-30 ਦੇ ਹੋ ਗਏ 10% ਡਿਬੈਂਚਰਸ, 1-30 ਡਿਬੈਂਚਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 1,00,000 ਦੀਆਂ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼, 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਡੈਟ ਹੋ ਗਿਆ 1-30, ਇੱਥੇ ਡੈਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, 1,30,000। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਡੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਤੇ ਅਸੀਂ 1-30 ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਬੱਚੋ। ਡੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਟੋਟਲ ਡੈਟ ਹੁੰਦਾ ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਪਲੱਸ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਬਟ ਟੋਟਲ ਡੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲਾ ਡੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਟ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਾਲਾ ਡੈਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 1-30, ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 6-40। ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ